हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे कुकम्बर और टेस्ट एनजी यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क को इंटीग्रेट करते हैं और किस तरीके से हम मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल को हम क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रैक्टिकल के लिए हमने एक्लिप्स आईडी ओपन कर लिया और एक्लिप्स में हमने एक मेवर्न प्रोजेक्ट क्रिएट किया है पहले के सेशंस में कुकम्बर बीडीडी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट के प्रैक्टिकल के लिए। तो ये है वो प्रोजेक्ट कुकम्बर फ्रेमवर्क के नाम से। तो आज के सेशन में हम कुकम्बर टेस्ट केसेस को हम टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क में हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम ये समझेंगे। अभी तक हमने जे यूनिट यूज किया है टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट के लिए, हमने जे यूनिट यूज किया है एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क। आज हम समझेंगे कि टेस्ट एनजी को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे कुकम्बर के साथ। तो इसके लिए हमारा सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले तो हमें pom.xml को अपडेट करना है। उसमें क्या करना है, हमें ये दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, पहली डिपेंडेंसी टेस्ट एनजी की और दूसरी डिपेंडेंसी कुकम्बर हाइफन टेस्ट एनजी। तो हमें पहले तो इन दोनों डिपेंडेंसी को ऐड करनी है और इसमें से हमें जे यूनिट की डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। कुकम्बर जे यूनिट की डिपेंडेंसी हमें रिमूव करनी है और टेस्ट एनजी और कुकम्बर हाइफन टेस्ट एनजी की डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी है। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं pom.xml में ये दोनों डिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी मैंने मेवन रिपोजिटरी से कॉपी किया है, आप लोग भी वहां से कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपसे सारा का सारा कोड गिटहब पे शेयर कर दूंगी। ये तो pom.xml भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से देख भी सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और अब हम चलते हैं pom.xml में और यहाँ हम डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर इन दोनों डिपेंडेंसी को यहां हम ऐड कर देते हैं। लास्ट में यहाँ पे डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर हमने दोनों डिपेंडेंसी को यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, कंट्रोल ए कंट्रोल आई इंडेंटेशन के लिए। और अब हमें रिमूव करना है कुकम्बर जे यूनिट की डिपेंडेंसी। तो कुकम्बर जे यूनिट की डिपेंडेंसी ये रही, तो यहां से मैं कुकम्बर जे यूनिट की डिपेंडेंसी रिमूव कर रही हूं। अब रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सेव कर देना है pom.xml को। रिमूव करने के बाद हमें सेव करना है pom.xml को और फिर हमें मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट करना है। तो उसके लिए हम वापस चलते हैं pom.xml में और यहां मैंने कर दिया कंट्रोल एस सेव करने के लिए और अब हम अपडेट करेंगे प्रोजेक्ट को। तो pom.xml पे राइट क्लिक किया, देन मेवन एंड अपडेट प्रोजेक्ट, ओके। कभी भी हम pom.xml में कोई डिपेंडेंसी ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो हमेशा हमें मेवन प्रोजेक्ट को अपडेट कर लेना चाहिए pom.xml पे राइट क्लिक करके, देन मेवन एंड अपडेट प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, कोई डिपेंडेंसी अगर मिसिंग है, कुछ भी अगर हमें चाहिए तो वो हमारे प्रोजेक्ट के साथ डाउनलोड हो जाएगा और कॉन्फिगर हो जाएगा। और मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमने अपडेट कर दिया प्रोजेक्ट को। अब स्टेप थ्री में हमें ओपन करना है टेस्ट रनर फाइल run.java। तो ओपन करते हैं टेस्ट रनर फाइल run.java। तो रनर फाइल है हमारा टेस्ट रनर पैकेज में। अब चूंकि हमने यहां से जे यूनिट डिपेंडेंसी रिमूव कर दिया तो यहाँ पे जो भी एरर्स हैं हमें इनको रिजोल्व करना है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें टेस्ट एनजी के इंपोर्ट्स लेने हैं क्योंकि जे यूनिट तो हमने रिमूव कर दिया, हमें जे यूनिट को यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम टेस्ट एनजी यूज करेंगे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इस @runwithcucumber.class हमें इसको रिमूव कर देना है या फिर हम इसको कॉमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे है एरर्स, अब यहाँ पे है जे यूनिट के एरर्स। तो हम ऐसा करते हैं इन इम्पोर्ट्स को हम कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि अब हमारे पास जे यूनिट नहीं है। अब जो भी एरर्स आ रही हैं इनके लिए हमें पैकेज इंपोर्ट करना है टेस्ट एनजी से, ना कि हमें जे यूनिट से इंपोर्ट करना है। तो हमने यहाँ पे हम माउस को लेके गए और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इम्पोर्ट कुकम्बर ऑप्शन io.cucumber.testng, ठीक है। तो अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें क्या करना है, हमारा अगला स्टेप है हमें इस रन को, जो हमारी क्लास है रन क्लास, हमें इसको एक्सटेंड करना है
हमें इसको एक्सटेंड करना है एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट से। ठीक है, हमने रनर फाइल ओपन किया रन डॉट जावा, हमने कमेंट आउट कर दिया एट द रेट रन विथ कुकम्बर क्लास को, फिर जो भी जेवरिट के इम्पोर्ट्स थे हमने उसको रिमूव करके हमने टेस्ट एनजी के इम्पोर्ट्स हमने ऐड कर लिए। उसके बाद हमें इम्पोर्ट करना है आयो डॉट कुकम्बर डॉट टेस्ट एनजी डॉट एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट, हमें इस पैकेज को इम्पोर्ट करना है। और इसको इम्पोर्ट करने के बाद जो हमारी क्लास है रन क्लास, इसको हमें एक्सटेंड करना है एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट क्लास से। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो पहले हम इस पैकेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया टेस्ट एनजी एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर टेस्ट को, मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें इस क्लास को एक्सटेंड करना है एब्स्ट्रैक्ट टेस्ट एनजी कुकम्बर डॉट कुकम्बर टेस्ट से। ठीक है, तो अब हमारे रनर फाइल में जो भी मॉडिफिकेशन हमें करने थे टेस्ट एनजी में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ये हमने कर लिए। अब हमें टेस्ट एनजी में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है, क्योंकि टेस्ट एनजी में हम टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक्सएमएल फाइल यूज करते हैं। तो हम एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। तो एक्सएमएल फाइल कैसे क्रिएट करेंगे तो वह मैं आपको भी बताती हूँ। आप चाहें तो मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हैं एक्सएमएल फाइल, कोई मुश्किल नहीं है। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहाँ पे कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी का ऑप्शन आएगा, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे ना आप, कुकम्बर फ्रेमवर्क पर राइट क्लिक किया मैंने, देन टेस्ट एनजी, फिर यहाँ पे कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, और यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है एक्सएमएल फाइल का और मैंने क्लिक कर दिया फिनिश पे। तो ये हमारी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब हम इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, ये सब हम रिमूव कर देते हैं, इसको हम बेसिक ही रखते हैं एक्सएमएल फाइल को। ठीक है, अब यहाँ पे क्लास में नेम इक्वल्स, सबसे पहले तो आ गया हमारा स्वीट टैग, स्वीट टैग के अंदर टेस्ट टैग, टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस टैग। अब क्लासेस टैग के अंदर ये जो क्लासेस टैग है इसके अंदर हमें जिस भी क्लास को एग्जीक्यूट करना है हम क्लास नेम इक्वल्स के बाद पहले देंगे पैकेज का नाम, फिर दे देंगे हम उस क्लास का नाम। अब हमें एग्जीक्यूट करना है रन डॉट जावा को, क्योंकि ये है हमारी रनर फाइल, हमें इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो पहले हम देंगे इस फाइल के पैकेज का नाम जो है टेस्ट रनर डॉट रन। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, पहले आएगा पैकेज का नाम, तो ये हम यहां से रिमूव कर देते हैं, सॉरी टेस्ट रनर, और फिर क्लास का नाम, क्लास का नाम है रन, एंड सेव। ठीक है, तो अब हमारी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल भी कंप्लीट हो गई, मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। अब हमें क्या करना है, अब हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं हमारे टेस्ट केसेस को टेस्ट एनजी में। ठीक है, तो अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मगर हम एक बार ड्राई रन कर लेते हैं। ड्राई रन करने के लिए इसको हमने कर दिया ट्रू, और यहाँ पे किया हमने राइट क्लिक। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इस फीचर फाइल, ये फीचर फाइल में जो भी सैनिटी टेस्ट, जो भी टेस्ट सिनेरियो सैनिटी टैग के अंडर होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। लॉग इन फीचर डॉट फीचर फाइल में जो भी टेस्ट सिनेरियो एट द रेट सैनिटी टैग के अंडर होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन से पहले हम पहले के लॉग्स और रिपोर्ट इनको हम कर देते हैं डिलीट, ये हमारे प्रीवियस लॉग्स हैं, और ये कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर में एक है हमारी रिपोर्ट, इसको भी मैंने कर दिया डिलीट। अब हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन के लिए हमें क्या करना है, हम टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, देन रन एज टेस्ट एनजी सूट। अभी हमने ड्राई रन किया था, अब हम इसको पॉज कर देते हैं और एक्चुअल टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल पे हमने किया राइट क्लिक, देन रन एज टेस्ट एनजी सूट। ये देखिए क्रोम ब्राउजर लॉन्च हो गया, यूआरएल ओपन हो गया, लॉगिन हो गया और लॉग आउट भी हो गया, ब्राउजर क्लोज हो गया।
तो हमारा जो टेस्ट सिनेरियो था सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, स्वीट के अंदर टेस्ट, टेस्ट के अंदर हमारी जो फाइल है रन डॉट जावा फाइल जो क्लास है, उस क्लास के अंदर जो टेस्ट सिनेरियो है हमारा सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, ये एग्जीक्यूट हुआ है और ये सारे ग्रीन टिक्स दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये सारा कुछ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, कोई भी फेलियर नहीं है। पास्ट वन फेल जीरो स्किप जीरो, टेस्ट वन मेथड वन। अब हम देखते हैं इसके रिपोर्ट, तो जो हमने रिपोर्ट जनरेट की है कुकम्बर हाइफन रिपोर्ट्स फोल्डर में, इसको एक बार हम कर लेते हैं रिफ्रेश और ये रही हमारी रिपोर्ट, इसको हम ओपन कर लेते हैं ब्राउजर में। तो ये देखिए जो हमारी फीचर फाइल है लॉग इन फीचर डॉट फीचर, और इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही टेस्ट सिनेरियो है एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। जो रिग्रेशन टेस्टिंग का सिनेरियो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने रन डॉट जावा फाइल में टेस्ट रनर फाइल में हमने मेंशन किया था टैग इक्वल्स एट द रेट सैनिटी, यहाँ पे हमने मेंशन किया ना टैग इक्वल एट द रेट सैनिटी, इसलिए सिर्फ सैनिटी टैग वाले टेस्ट केसेस ही एग्जीक्यूट हुए हैं। तो ये थी रिपोर्ट, और लॉग्स को भी रिफ्रेश कर लेते हैं और ये है हमारी लॉग फाइल। जो भी हम रन टाइम पे इंफॉर्मेशन लॉग कर रहे हैं वो सारी हमारी लॉग फाइल में स्टोर हो रही है, लॉग फाइल में राइट हो रही है। तो इस तरीके से हम कुकम्बर टेस्ट केसेस को टेस्ट एनजी में हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम टेस्ट एनजी भी यूज कर सकते हैं एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क। आप चाहे तो जे यूनिट यूज कीजिए या फिर टेस्ट एनजी यूज कीजिए। टेस्ट एनजी ज्यादा पॉपुलरली यूज किया जाता है क्योंकि टेस्ट एनजी में ज्यादा फंक्शनलिटीज हैं, ज्यादा फीचर्स हैं कंपेयर टू जे यूनिट, क्योंकि जे यूनिट पहले आया है और टेस्ट यूनिट और टेस्ट एनजी बाद में आया है। अगर आप लोग टेस्ट एनजी के फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को और भी ज्यादा अच्छे तरह से समझना चाहते हैं और भी ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सिलेनियम जावा सीरीज में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है टेस्ट एनजी कॉन्सेप्ट, टेस्ट एनजी फीचर्स के ऊपर अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो जब भी हम टेस्ट एनजी में अपने टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेस्ट एनजी कुछ रिपोर्ट्स जनरेट करता है, दो टाइप्स के रिपोर्ट्स जनरेट करता है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं प्रोजेक्ट को और ये देखिए यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ है ऑटोमेटिकली टेस्ट हाइफन आउटपुट। जब हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो हमें इसमें दो रिपोर्ट मिलेगी, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और दूसरी रिपोर्ट मिलेगी ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एच टी एम एल। तो जब भी हम टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं तो टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये दोनों रिपोर्ट जनरेट करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है टेस्ट एनजी का। तो हम दोनों रिपोर्ट्स को ओपन करते हैं। अब चूंकि ये दोनों रिपोर्ट्स एचटीएमएल फॉर्मेट में है तो हमें इसको ब्राउजर में ओपन करना है। पहले हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ओपन करते हैं, फाइल पर राइट क्लिक किया, देन ओपन विथ क्रोम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट और ये माई रिपोर्ट ओपन हो गई। तो इसमें सबसे पहले है एक्सएमएल फाइल कि हमने किस एक्सएमएल फाइल को हमने एग्जीक्यूट किया था, तो ये उसका कंप्लीट पाथ आ रहा है टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल, ये रही टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल। और फिर आगे और डिटेल्स हैं, जो पास्ट मेथड हमें उनको देखना है, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो भी मेथड पास हुआ है ये वो रहा। रिपोर्टर्स आउटपुट, रिपोर्टर्स आउटपुट पे हमने कुछ भी लॉग नहीं किया, हम चाहे तो रिपोर्टर्स आउटपुट में भी इंफॉर्मेशन हम लॉग कर सकते हैं। तो इग्नोर्ड मेथड होगा तो वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी अगर हमारे मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, अगर हमें उनका क्रोनोलॉजिकल व्यू देखना है तो हम यहाँ पे वो भी देख सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही टेस्ट सिनेरियो है तो यहाँ पे एक ही डिस्प्ले हो रहा है, अगर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट सिनेरियोज होंगे तो हम यहाँ पे उनका क्रोनोलॉजिकल व्यू भी देख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम कुछ और टेस्ट केसेस इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो यहां से हम पहले तो इस टैग को हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसमें हम एक फीचर फाइल और ऐड कर लेते हैं, कस्टमर डॉट फीचर। हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कॉमा से एक और फीचर फाइल हम ऐड कर लेते हैं। फीचर फाइल का नाम हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है नाम, एग्जैक्टली स्पेलिंग वगैरह सेम होना चाहिए, कस्टमर्स डॉट फीचर, कस्टमर्स डॉट फीचर।
और एक कोर्स हमने बंद कर दिया। तो हमारे पास दो फीचर फाइल्स हैं, लॉगिन फीचर डॉट फीचर, दूसरा कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर। कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर में भी हमारे पास मल्टीपल टेस्ट सिनेरियोज हैं। एड न्यू कस्टमर एक सिनेरियो है, सर्च कस्टमर बाय ईमेल, सर्च कस्टमर बाय नेम, तीन तीन सिनेरियोज हैं कस्टमर्स डॉट फीचर में। और लॉगिन फीचर डॉट फीचर में हमारे पास दो टेस्ट सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो अब हम सारे सिनेरियोज को हम एग्जीक्यूट करते हैं दोनों ही फीचर फाइल के। तो वापस चलते हैं रन डॉट जावा में, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम यूज करेंगे XML फाइल। हम चाहें तो यहां से भी हम राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं रन एज टेस्ट एनजी, जैसे हम रन एज जे यूनिट कर रहे थे ना, ठीक वैसे ही रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। लेकिन अभी हम XML फाइल यूज करेंगे क्योंकि हमने XML फाइल क्रिएट की है। रन एज टेस्ट एनजी स्वीट, अभी हमने मल्टीपल टेस्ट सिनेरियोज हमने एनेबल कर दिया है एग्जीक्यूशन के लिए, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन में। क्योंकि एक एक करके सारे टेस्ट सिनेरियोज हमारे एग्जीक्यूट होंगे। एड न्यू कस्टमर हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अभी एग्जीक्यूट हो रहा है सर्च कस्टमर बाय ईमेल। हमारे सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए हैं, पास्ट 5, फेल 0, स्किप 0। अब हम इसकी रिपोर्ट एक बार फिर से चेक करते हैं। तो जो रिपोर्ट टेस्ट एनजी ने जनरेट की है हम वो भी चेक करेंगे, और जो रिपोर्ट हम जनरेट कर रहे हैं रिपोर्ट्स अंडरस्कोर एचटीएमएल डॉट एचटीएमएल हम वो भी चेक करेंगे। तो हम एक बार इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, और ये है हमारी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल रिपोर्ट। हमने डबल क्लिक किया और रिपोर्ट हमारी ओपन हो गई। ये देखिए 5 मेथड्स 5 पास्ट। पास्ट मेथड को हमें शो करना है, तो जो भी हमारे टेस्ट सिनेरियोज हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। 5 टेस्ट सिनेरियोज थे ना हमारे कस्टमर्स डॉट फीचर फाइल में, एक सिनेरियो था सर्च कस्टमर बाय ईमेल, फिर लॉग इन डॉट फीचर फाइल में हमारा एक सिनेरियो था सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का था, फिर कस्टमर्स डॉट फीचर में सर्च कस्टमर बाय नेम, फिर कस्टमर्स डॉट फीचर में एड न्यू कस्टमर, फिर लॉग इन डॉट फीचर में सक्सेसफुल लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल। तो ये सारे टेक्स्ट सिनेरियोज हमारे 5 सिनेरियोज यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गए। अगर कोई फेल होता या कोई सिनेरियो हमारा इग्नोर हो जाता तो वो भी हमें इस इग्नोर मेथड में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता। ये देखिए आप जिस सिनेरियो पे क्लिक करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले हो जाएगी, और ये रहा इसका क्रोनोलॉजिकल व्यू। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसका क्रोनोलॉजिकल व्यू यहाँ पे आ गया। आपको टाइम्स वगैरह देखना है तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगा, कितना टाइम लगा किस सिनेरियो को एग्जीक्यूट होने में। टेस्ट रनर डॉट रन, रन सिनेरियो, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से एक तो रिपोर्ट जनरेट होती है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और दूसरी रिपोर्ट जनरेट होती है ईमेलेबल रिपोर्ट, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरी है ईमेलेबल रिपोर्ट।
तो इस तरीके की होती है हमारी ईमेलेबल रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर होती है, हमें इसको जनरेट नहीं करना होता। जब भी आप टेस्ट इंजिन एग्जीक्यूट करोगे टेस्ट केस, ये दो रिपोर्ट आपको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होकर के मिलेंगी। इस रिपोर्ट में सबसे पहले हमारे टेस्ट रिजल्ट की समरी है कि कितने टेस्ट हमारे पास हुए, कितने स्किप हुए, कितने रीट्राई फेल, कितना टाइम लगा। फिर उसके बाद टेस्ट की डिटेल, जो हमारे सिनेरियोज एग्जीक्यूट हुए हैं वो सारे हैं, सर्च कस्टमर बाय ईमेल, सक्सेसफुल लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल, सर्च कस्टमर बाय नेम। तो जैसे ऐसे हमारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हुए हैं वो डिटेल, वो सिनेरियो सारे यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो इस तरीके से जब भी हम टेस्ट एंजिन में टेस्ट केसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें दो टाइप्स की टेस्ट रिपोर्ट्स मिलती हैं, ईमेलेबल रिपोर्ट और index.html रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के अलावा दूसरी रिपोर्ट है हमारी reports_html.html। ये रिपोर्ट हमने जनरेट की है बिल्ट इन प्लग इन यूज करके कुकम्बर की। यहाँ पे हमने पाथ दिया था ना, cucumber-reports फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर हमारी ये रिपोर्ट का नाम reports_html.html। तो ये रिपोर्ट हमने कुकम्बर का बिल्ट इन प्लग इन यूज करके जनरेट किया है। हम इस रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। तो ये रही हमारी रिपोर्ट, और जो दोनों फीचर फाइल हमने run.java में हमने एग्जीक्यूट किया है, ये दोनों फीचर फाइल है customers.feature और login_feature.feature। जब हम इस फीचर फाइल को एक्सटेंड करेंगे तो इस फीचर फाइल में हमारे जितने भी सिनेरियोज एग्जीक्यूट हुए हैं, ये जितने भी सिनेरियोज हमारे इस फीचर फाइल में है, आपको वो सारे सिनेरियोज यहाँ पे दिख जाएंगे जो जो हमने एग्जीक्यूट किए हैं, जो भी एग्जीक्यूट होंगे। तो customers.feature में जो भी स्टेप्स हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं सक्सेसफुली, उनके आगे आपको यहाँ पे ग्रीन टिक मिलेगा, और जो स्टेप्स यहाँ पे फेल होंगे उसके आगे आपको रेड कलर का साइन डिस्प्ले होगा, और जो नॉट एग्जीक्यूटेड स्टेप्स होंगे वो आपको ग्रे कलर में दिखेंगे। तो ये रिपोर्ट हमने बिल्ट इन प्लग इन कुकम्बर का बिल्ट इन प्लग इन यूज करके जनरेट किया था। अब इसके बाद है हमारी लॉग फाइल जिसमें हम रन टाइम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, mylogs.log। तो ये है हमारी लॉग फाइल जिसमें हम रन टाइम पे इंफॉर्मेशन हम राइट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम टेस्ट एनजी में भी कुकम्बर के टेस्ट केसेस को रन कर सकते हैं, हम टेस्ट एनजी को भी एज ए यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन क्लासेस को हम क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे, क्योंकि रियल टाइम सिचुएशन में क्या होता है, जैसे जैसे हमारे फीचर फाइल्स इंक्रीज होते हैं हमारे स्टेप डेफिनेशन हमारे स्टेप्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि फीचर फाइल में हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, सिनेरियोज के अंदर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो जैसे जैसे फीचर फाइल्स इंक्रीज होंगे, सिनेरियोज इंक्रीज होंगे, हमारे स्टेप्स भी इंक्रीज होंगे, और अगर स्टेप्स इंक्रीज होंगे तो स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमारे जो स्टेप डेफिनेशन मेथड्स हैं ये भी इंक्रीज होंगे। तो जैसे जैसे फीचर फाइल इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ सिनेरियोज इंक्रीज होंगे, हमारे स्टेप डेफिनेशन मेथड्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि स्टेप डेफिनेशन फाइल में हम हर स्टेप के लिए जावा मेथड ही तो क्रिएट करते हैं। ये सारे जो हमने स्टेप डेफिनेशन क्रिएट किए हैं, सारे स्टेप डेफिनेशन मेथड्स ही तो हैं, ये सारे जावा मेथड्स ही हैं। तो जावा मेथड्स भी हमारे इंक्रीज होंगे, इसीलिए रियल टाइम सिचुएशन में हम मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल्स को हम क्रिएट करते हैं। हम एक ही स्टेप डेफिनेशन फाइल हम मेंटेन नहीं करते, फॉर बेटर नेविगेशन एंड फॉर बेटर मेंटेनेंस के लिए हम मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल्स हम क्रिएट करते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से हम एक से ज्यादा स्टेप डेफिनेशन फाइल हम क्रिएट करेंगे और मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, स्टेप डेफ डॉट जावा इस क्लास में हमारे पास एक मेथड है ब्राउजर को क्लोज करने का, हमारे पास एक स्टेप डेफिनेशन मेथड है ब्राउजर को क्लोज करने का। इस मेथड को हम कॉपी कर लेते हैं और इस मेथड को हम शिफ्ट कर देते हैं दूसरे स्टेप डेफिनेशन क्लास में। तो इस स्टेप डेफिनेशन पैकेज के अंदर हम एक और नई क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो पैकेज पे हमने राइट क्लिक किया है, न्यू क्लास, और इस क्लास का नाम दे देते हैं क्लोज स्टेप एंड फिनिश। और यहां पे हम ब्राउजर को क्लोज करने का जो स्टेप डेफिनेशन मेथड है उसको हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसा कि मैंने आपको पहले के सेशन में बताया था कि हम जब भी कोई स्टेप डेफिनेशन क्लास क्रिएट करेंगे तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे बेस क्लास से, क्योंकि बेस क्लास में ही हम जितने भी रीयूजेबल मेथड्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनको हम मेंटेन कर रहे हैं। स्टेप डेफिनेशन फाइल्स में जितने भी रीयूजेबल मेथड्स हैं और वेरिएबल्स हैं उन सारे मेथड्स और वेरिएबल्स को हम एक कॉमन क्लास में मेंटेन कर रहे हैं, बेस क्लास में मेंटेन कर रहे हैं, और जो स्टेप डेफिनेशन फाइल्स हम क्रिएट करेंगे वो सारी फाइल्स इस बेस क्लास को एक्सटेंड करेंगी।
तो अभी जो हमने क्लोज स्टेप डॉट जावा ये जो स्टेप डेफिनेशन फाइल हमने क्रिएट की है इसमें भी हम एक्सटेंड कर लेते हैं बेस क्लास को, जिससे कि बेस क्लास के जो भी मेथड्स और वेरिएबल्स हैं वो हमें इस स्टेप डेफिनेशन फाइल में भी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि बेस क्लास हो गया पेरेंट क्लास और ये हो गया चाइल्ड क्लास, तो चाइल्ड क्लास के पास तो पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स का एक्सेस होता ही है, ये तो हम जानते ही हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे जो बेस क्लास है इसमें हम इस वेब ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को हम डिक्लेयर कर देते हैं स्टैटिक। दैट्स इट। अब हम जब रन करेंगे, अब जब हम रनर फाइल को रन करेंगे तो क्या होगा, ये जो दो फीचर फाइल्स हैं हमारी, ये जो दो फीचर फाइल्स हैं हमारी, ये दोनों फीचर फाइल्स में जो स्टेप डेफिनेशन की मैपिंग होगी इस स्टेप डेफिनेशन फोल्डर से होगी। इस स्टेप डेफिनेशन फोल्डर, यहाँ पे हमने glue equals और जो हमारा स्टेप डेफिनेशन फोल्डर हमने यहाँ पे उसका नाम मेंशन किया है, तो इस स्टेप डेफिनेशन फोल्डर में जितनी भी स्टेप डेफिनेशन क्लासेस हैं वो दोनों क्लासेस, वो सारी क्लासेस इन फीचर फाइल्स पे, इन फीचर फाइल्स के लिए एप्लीकेबल होंगी लिंकिंग के लिए, स्टेप डेफिनेशन मेथड्स की लिंकिंग के लिए। तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले हम दोनों फीचर फाइल्स, ये जो फीचर फाइल हम यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है ना, लॉगिन फीचर डॉट फीचर और कस्टमर फीचर डॉट फीचर, इन दोनों फीचर फाइल्स को हम एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं एज अ कुकम्बर फीचर। तो पहले हम लॉगिन फीचर डॉट फीचर को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, राइट क्लिक रन एज कुकम्बर फीचर, जिससे कि फ्रेश लिंकिंग हो जाए। ये जो भी यहाँ पे स्टेप्स हैं, जितने भी यहाँ पे हर स्टेप सिनेरियोस में स्टेप्स दिए हुए हैं, उनकी मैपिंग फ्रेश एक बार हो जाए स्टेप डेफिनेशन मेथड्स के साथ, क्योंकि अभी अभी हमने स्टेप डेफिनेशन मेथड को हमने शिफ्ट किया है नए स्टेप डेफिनेशन क्लास में, तो इन दोनों की फ्रेश मैपिंग हो जाए। तो एक बार राइट क्लिक किया रन एज कुकम्बर फीचर और यहां पे है एक एरर, पर हम चेक कर लेते हैं ये एरर क्या है। एक बार हम इनको सेव कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया सेव। और अब यहां पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताना मिस कर दिया, अब जब हम मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन फाइल्स हम क्रिएट करते हैं, अभी हमने हमारे पास पहले से एक स्टेप डेफिनेशन फाइल थी स्टेप डेफ डॉट जावा और हमने एक और स्टेप डेफिनेशन फाइल क्रिएट की क्लोज स्टेप डॉट जावा, तो दोनों स्टेप डेफिनेशन फाइल में हमारे मेथड्स डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हमें एक्सेप्शन थ्रो होगा और वही एक्सेप्शन हमें अभी यहाँ पे मिला है, डुप्लीकेट स्टेप डेफिनेशन एक्सेप्शन। अभी हमारे पास एक क्लोज ब्राउजर स्टेप डेफिनेशन मेथड हमारे पास दोनों फाइल में है, इसीलिए हमें ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ डुप्लीकेट स्टेप डेफिनेशन एक्सेप्शन, तो हमें एक जगह से इसको रिमूव करना होगा। तो हम ऐसा करते हैं स्टेप डेफ डॉट जावा हम यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, मैंने अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर दिया और हमने इसको कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया क्लोज स्टेप डॉट जावा में। अब जब कभी भी ये वाला स्टेप मिलेगा हमें फीचर फाइल में, दोनों में से किसी भी एक, किसी भी फीचर फाइल में, लॉगिन फीचर डॉट फीचर या कस्टमर फीचर डॉट फीचर, जब भी ये क्लोज ब्राउजर स्टेप मिलेगा तो क्लोज ब्राउजर स्टेप की, ये क्लोज ब्राउजर स्टेप की मैपिंग होगी क्लोज स्टेप डॉट जावा के इस स्टेप डेफिनेशन मेथड से, क्योंकि यहां पे ये जो स्टेप डेफिनेशन, यहां का जो स्टेप डेफिनेशन मेथड था क्लोज ब्राउजर का, ये हमने रिमूव कर दिया। तो कभी भी हमारे पास डुप्लीकेट स्टेप डेफिनेशन मेथड्स नहीं होने चाहिए अगर हमारे पास मोर देन वन डेफिनेशन फाइल है, तो ये हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज हमें ये एक्सेप्शन थ्रो होगा। अगर हम मोर देन वन, अगर हम डुप्लीकेट स्टेप डेफिनेशन मेथड क्रिएट अगर हम रखेंगे तो ये एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं लॉगिन फीचर फाइल को, राइट क्लिक रन एज कुकम्बर फीचर। देखिए अब एक्सेप्शन चला गया ना, क्योंकि हमने स्टेप एक स्टेप डेफिनेशन क्लास से हमने उस स्टेप डेफिनेशन मेथड को कमेंट आउट कर दिया जो डुप्लीकेट था। अब इस फीचर फाइल के एग्जीक्यूशन के बाद हम कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर इसको भी हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। कस्टमर्स फीचर डॉट फीचर में जितने भी टेस्ट सिनेरियोज हैं
यहाँ मैं देख रही हूँ सारे टेस्ट सिनेरियोस को हमने एट द रेट रिग्रेशन टैग के अंदर डाला हुआ है। एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं इस कस्टमर फीचर को, राइट क्लिक रन एज कुकम्बर फीचर। इसमें सारे टेस्ट सिनेरियोस को हमने एट द रेट रिग्रेशन टैग के अंदर डाला है। और यहाँ पे ये जो हमारा टेस्ट रनर फाइल है यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है सिर्फ एट द रेट सैनिटी टैग वाले टेस्ट सिनेरियोस। तो जब हम कस्टमर फीचर इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कस्टमर फीचर फाइल के जो टेस्ट केसेस हैं उनमें से कोई भी टेस्ट सिनेरियो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सारे टेस्ट सिनेरियोज एट द रेट रिग्रेशन टैग के अंदर है। और टेस्ट रनर फाइल में रन डॉट जावा, इस टेस्ट रनर फाइल में हम सिर्फ एट द रेट सैनिटी टैग ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस रनर फाइल को एग्जीक्यूट करने से पहले हम ऐसा करेंगे, हम इस कस्टमर फीचर डॉट फीचर फाइल में हम किसी टेस्ट सिनेरियो को हम एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर ले लेते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, सर्च कस्टमर नेम को हम ले लेते हैं सैनिटी टैग के अंदर। एंड सेव। अब हम इस फीचर फाइल को करते हैं एग्जीक्यूट, राइट क्लिक। तो लॉगिन फीचर डॉट फीचर और कस्टमर फीचर डॉट फीचर दोनों ही फीचर फाइल में हमारे पास एक एक टेस्ट सिनेरियो है एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर। यह है लॉगिन फीचर डॉट फीचर, इसमें एक टेस्ट सिनेरियो है सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल। और कस्टमर फीचर डॉट फीचर में हमारे पास एक टेस्ट सिनेरियो है सर्च कस्टमर बाय नेम, ये है सैनिटी टैग के अंदर। तो हमारे पास टोटल दो टेस्ट सिनेरियोज हैं एट द रेट सैनिटी टैग के अंदर। तो हमारे दोनों टेस्ट सिनेरियोज एग्जीक्यूट होंगे। तो हम इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं यूजिंग टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल। तो एक्सएमएल फाइल पे राइट क्लिक किया एंड रन एज टेस्ट एनजी सूट। और ये टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। और टेस्ट केस का एग्जीक्यूशन हो गया कंप्लीट। और ये रहा इसका ग्राफिकल रिजल्ट। और यहाँ देखिए पास टू फेल जीरो, हमारे दो टेस्ट सिनेरियोस थे ना, सर्च कस्टमर बाय नेम एंड सर्च सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, तो दोनों ही पास हो गए। अब इसके हम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, जो टेस्ट एनजी रिपोर्ट है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये है इसकी टेस्ट एनजी रिपोर्ट, दो टेस्ट सिनेरियोस और ईमेलेबल रिपोर्ट भी हमारी क्रिएट होती है जब भी हम टेस्ट एनजी में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। ये रही ईमेलेबल रिपोर्ट, टू पास्ट जीरो फेल रीट्राइड जीरो, और ये दो हमारे टेस्ट सिनेरियोस, ये टाइम टेकन, और एक है रिपोर्ट जो हमने कुकम्बर प्लगइन यूज करके जनरेट किया है, रिपोर्ट्स अंडरस्कोर एच टी एम एल डॉट एच टी एम एल। ये दो हमारे फीचर फाइल्स, फीचर फाइल के अंदर हमारे दो फीचर फाइल के अंदर दोनों में हमारा एक एक टेस्ट सिनेरियो था सैनिटी टैग के अंदर, तो वो एग्जीक्यूट हो गया सर्च कस्टमर बाय नेम। और लॉगिन फीचर में भी हमारा एक टेस्ट सिनेरियो था सैनिटी टैग के अंदर, तो लॉगिन फीचर को भी एक्सपैंड कर लेते हैं। ये रहा लॉगिन फीचर, और इसके अंदर हमारा जो एक टेस्ट सिनेरियो है सक्सेसफुल लॉगिन विद वैलिड क्रेडेंशियल, ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, सारे ग्रीन टिक यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हम मल्टीपल डेफिनेशन फाइल अपने प्रोजेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि डुप्लीकेट स्टेप डेफिनेशन मेथड्स नहीं होने चाहिए डेफिनेशन क्लासेस में। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, आज है सेशन 9 हमारा, और आज हमने डिस्कस किया कि हम कैसे कुकम्बर और टेस्ट एनजी को हम इंटीग्रेट करेंगे, किस तरीके से हम कुकम्बर टेस्ट केसेस को टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, और ये सारे हैं इसके स्टेप्स। और फिर नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम मल्टीपल स्टेप डेफिनेशन क्लासेस हम
क्रिएट करेंगे, मैनेज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।